बचपन के कुछ साल हमें याद नहीं रहते, क्योंकि उस समय तक हमारे माइंड में हिप्पोकैम्पस, जो कि माइंड का ही एक पार्ट होता है, डेवलप नहीं होता, और ये किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखने के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप कभी अकेला फील करें तो कमरे की लाइट्स ऑफ कीजिए और एक डरावनी मूवी देखिए। यकीन मानिएगा, आपको हमेशा फील होगा कि आपके आसपास कोई है। वर्ल्ड क्रूज शिप एक ऐसा जहाज है जिसमें आप हमेशा के लिए स्थायी रूप से रह सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप है। इसकी सबसे मजेदार बात यह है कि आपकी नींद हर सुबह एक नए शहर में खुलेगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 17वीं शताब्दी तक भारत देश दुनिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था, जब तक कि ब्रिटिशर्स यहाँ नहीं आए थे। इंग्लैंड के पास एक देश मौजूद है जिसका नाम सीलैंड है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ केवल 27 लोग ही रहते हैं। क्या आपको पता है, कुत्तों के पंजे और नाक ही एकमात्र ऐसे अंग हैं जहाँ से उनका पसीना निकलता है, इसीलिए कुत्तों को गर्मी ज्यादा लगती है। बीते कुछ सालों में आपने 2G, 3G, 4G और 5G ये बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपको इसमें जी का मतलब पता है? इसमें जी का मतलब जनरेशन होता है। दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को चलने के लिए 24 मिलियन वॉट बिजली की आवश्यकता होती है, और हमारे दिमाग को सिर्फ 20 वॉट बिजली की आवश्यकता होती है। फिर भी इंसानी दिमाग सुपर कंप्यूटर से 1,00,000 गुना ज्यादा तेजी से काम करता है। देखो, ये एक मिथ है कि धरती पर मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन पेड़ों की वजह से है, पर फैक्ट ये है कि धरती पर पेड़ों से ज्यादा ऑक्सीजन समुद्र प्रोड्यूस करते हैं। भाखड़ा नांगल डैम को बनाने में उस समय 245 करोड़ 28 लाख रुपए का खर्च आया था। इसको बनाने में इतना सीमेंट कंक्रीट लगा था कि दुनिया की सभी सड़कों को दोबारा से बनाया जा सकता था। अगर आप परमाणु हमले में मारे जाते हैं तो आपको दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा, क्योंकि परमाणु विस्फोट आपके दिमाग तक दर्द पहुंचने से पहले ही आपकी बॉडी को खत्म कर देगा। राजस्थान के चूरू में मौजूद चूरू किला दुनिया का एकमात्र ऐसा किला है जहां युद्ध के दौरान गोला बारूद खत्म हो जाने पर तोप से दुश्मनों पर चांदी के गोले दाग दिए गए थे। जगत सेठ वो आदमी था जो जेफ बेजोस और एलन मस्क से भी ज्यादा अमीर था। वो उस समय भारत का सबसे अमीर व्यक्ति था, जिससे अंग्रेज और राजा भी कर्ज लेते थे। उनके परिवार के पास लगभग 1,000 मिलियन पाउंड की संपत्ति थी, यानी कि ये जो अमाउंट आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो उतने। इसलिए उनका नाम बैंकर ऑफ द वर्ल्ड रखा गया था। हेलीकॉप्टर की बॉडी एक नट के सहारे टिकी रहती है, जिसे जीसस नट कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि अगर ये नट फेल हो जाता है तो जीसस भगवान ही आपकी एकमात्र आशा है। मतलब कि अगर नट गया तो आप गए। आपने अक्सर बिजली को पानी में, पेड़ों पर या सड़क पर गिरते देखा होगा, लेकिन आकाशीय बिजली जब रेत पर गिरती है तो पता है क्या होता है? कुछ ऐसा। ये एक रेयर फिनोमिनन है, और इस तरह के स्ट्रक्चर को फुलगुराइट्स कहते हैं, विच मीन्स फॉसिलाइज्ड लाइटनिंग। क्या आपको पता है, सोनी कंपनी ने एक ऐसा एसी तैयार किया है जिसे शर्ट के अंदर लगाया जा सकता है। ये एक वियरेबल एसी है। ये एसी एक बार चार्ज होने पर 20 घंटे तक चल सकेगा, जिसकी कीमत करीब 10,300 तक की है, लेकिन ये अभी जापान में ही अवेलेबल है। जापानीज कंपनी ALI टेक्नोलॉजीज ने दुनिया की सबसे पहली होवर बाइक, या यूं कहें फ्लाइंग बाइक, एक्स टूरिज्मो लिमिटेड एडिशन, जो कि इसका नाम है, लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत 5.1 करोड़ रखी गई है। कंपनी का दावा है कि एक्स टूरिज्मो 40 मिनट तक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। ये काफी फनी फैक्ट है। 1993 में ब्राजील में एक शख्स एक ग्लू फैक्ट्री में ग्लू चोरी करने के इरादे से घुसा, बट एक्सीडेंटली उसने ग्लू की दो कैंस अपने ऊपर ही गिरा ली। फिर 36 घंटे के बाद पुलिस को वो आदमी जमीन पर चिपका हुआ मिला, और ऐसा चिपका कि हिलने डुलने में भी असमर्थ था। दोस्तों, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि स्कूल में टीचर्स ब्लैक बोर्ड पर जब कुछ लिखते थे और कुछ देर बाद उसे मिटा भी देते थे, जिससे कुछ बच्चे उसे लिख ही नहीं पाते थे। लेकिन जापान ने एक ऐसा डिजिटल इरेजर इन्वेंट किया है जो कि ब्लैक बोर्ड पर से टेक्स्ट रिमूव होते समय टेक्स्ट को स्कैन करके उसे सेव कर लेगा, जिससे बच्चे बाद में उसे लिख सकेंगे। ये काफी यूजफुल इन्वेंशन है। आप अक्सर कुछ चीजें परचेज करते हैं जिनके साथ कभी कभी छोटे छोटे से पैकेट भी आते हैं। जरा उन्हें फेंकने से पहले सोचिए, वो क्यों दिए जाते हैं? दरअसल वो आपके खरीदे गए सामान, जो कुछ भी आपने खरीदा है, बॉटल, शूज या कुछ भी, की फ्रेशनेस को बनाए रखते हैं, और वो आसपास की नमी को भी सोख लेते हैं, और आप उनका यूज दूसरी चीजों के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल के गीला होने पर भी उसे सुखाने के लिए इनका यूज किया जा सकता है।
आपने अक्सर ट्यूब की कैप पर बने नुकीले भाग को देखा होगा, वो यूं ही नहीं दी जाती। उसका यूज ट्यूब की सील तोड़ने में किया जाता है। ट्यूब के लिए आपको किसी नुकीली चीज की जरूरत नहीं है, वो काम कैप ही कर देता है। क्या आपको पता है दुनिया की सबसे काली कार BMW X वेंटा ब्लैक है? और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये इतनी काली है कि अगर रात के समय इसकी लाइट बंद कर दी जाए तो ये कार आपको बिल्कुल दिखाई ही नहीं देगी। पता है, ये एक सोच है लोगों की कि सोना सबसे कीमती मेटल है। एक्चुअली इट्स रोडियम। रोडियम गोल्ड से कहीं ज्यादा रिफ्लेक्टिव और रेयर मेटल है। ये सोने से 10 times ज्यादा एक्सपेंसिव है। क्या आप जानते हैं भारत में अक्सर शादियों में बिन बुलाए मेहमान बहुत आ जाते हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में मेहमानों को बुलाया नहीं बल्कि खरीदा जाता है, और इस काम के लिए उनको पैसे और खाना दोनों ही दिए जाते हैं। ये काफी गजब की बात है। नॉर्मली हम सब चांद को मून कहते हैं, लेकिन ये इसका असली नाम नहीं है। चांद का असली नाम लूना है, जो कि एक इटालियन शब्द है। आपने अक्सर देखा होगा जो बाथरूम सिंक होता है उसमें मेन होल के सिवा एक एक्स्ट्रा होल भी होता है, या एक से ज्यादा भी होते हैं। पर क्यों? असल में ये सिंक को ओवरफ्लो से बचाने के लिए होते हैं, जिससे कि पानी सिंक के बाहर नहीं फैलेगा, और साथ ही साथ इसमें से हवा भी पास होती रहती है, जिससे पानी ठीक से निकलता रहता है। क्योंकि जब मेन होल में से हवा पास नहीं हो पाती तब पानी स्लोली निकलता है, और बाथटब में भी ठीक इसी वजह से होल होता है, क्योंकि बाथटब का साइज बड़ा होने की वजह से लोग पानी चालू करके छोड़ देते हैं। पर आपने नोटिस किया होगा कि किचन सिंक में होल नहीं होते, तो इसका एक सीधा सा रीजन है। किचन सिंक में कई बार खाना भी फंस जाता है। अगर इस होल में खाना फंसेगा तो ये आसानी से बाहर नहीं निकलेगा, और फिर उसमें जम्स भी बनने लगेंगे। इसके चलते ये साफ बर्तनों में भी लग जाएंगे, जिसमें खाना खाने से किसी की तबीयत भी खराब हो सकती है।